Yesterday we read about chapter 4th, okay? Indian honor system. ये चैप्टर पढ़ा था कल बेटा अपन ने, इसके एक्सरसाइज ए बी सी और डी मैंने आपको घर से करने के लिए दी थी, आज ई भी मैंने करवा दी, आज करेंगे क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन आंसर ही करवाने हैं ना बेटा आज? सी यस और नो? यस मैम. लिखो, व्हाट क्वालिटीज डू वन नीड टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड? भारत रत्न अवार्ड प्राप्त करने के लिए कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? यही क्वेश्चन है. लिखो आंसर, लिखो आंसर फर्स्ट लिखो. द अवार्ड, द अवार्ड कैन बी बेस्ट आउट अपॉन एनी वन अपॉन एनी वन फॉर परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर.
मैम साइड दिख रहे हो ना बेटा सभी? The award can be bestowed upon anyone for performance of the highest order. It includes artistic, literary and scientific achievement. यह अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो आर्टिस्टिक कला में, साहित्य में और विज्ञान में क्या करते हैं, महान उपलब्धियां हासिल करते हैं. किसमें? कला, साहित्य और विज्ञान में क्या क्या करते हैं, एक अच्छा कार्य करते हैं, अच्छी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, उन लोगों को क्या दिया जाता है, यह अवार्ड दिया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है. सेकंड है, व्हाट इज अर्जुन अवार्ड रिलेटेड विद? अर्जुन अवार्ड रिलेटेड विद स्पोर्ट्स. मैम साइड चलो आगे देखो. थर्ड क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन साहित्य अकेडमी अवार्ड. साहित्य अकेडमी अवार्ड क्या होता है उसके बारे में लिखना है, ठीक है?
गुड मॉर्निंग मैम। Have you write down all the students? साहित्य एकेडमी अवार्ड वॉज इस्टैब्लिश्ड इन 1954। यह कब इस्टैब्लिश्ड हुआ था? यह कब प्रकाशित हुआ था? 1954 में। यह अवार्ड इट इज इंडियाज नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स एनुअली कन्फर्स ऑन राइटर्स ऑफ आउटस्टैंडिंग वर्क इन एनी ऑफ 24 लैंग्वेज ऑफ इंडिया। यह अवार्ड किन लोगों को दिया जाता है जो साहित्य में अच्छा काम करते हैं, जो लिटरेचर में अच्छा काम करते हैं, उन राइटर को यह अवार्ड दिया जाता है। विच अवार्ड इज गिवन इंटरनेशनली फॉर द वर्क ऑफ पीस? नोबल अवार्ड। ओके, नोबल अवार्ड इज गिवन इंटरनेशनली फॉर द वर्क ऑफ पीस। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगी बेटा, आगे लिखवाऊं। चलो लास्ट वन देखो।
लिख रहे हो ना? आर यू राइट डाउन ऑल द स्टूडेंट्स? सी यस और नो? यस मैम. वेरी गुड. चलो बेटा एक्सरसाइज आगे देखो, मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, ठीक है ना? आप बाद में आराम से कर लेना, ठीक है? आगे देखो, एक ग्रामर स्किल में मैंने ये करवा दिया था आप लोगों को, ए वाला कल करवाया था ना. अब देखो, मैच द कॉलम्स टू मेक सेंटेंस. पेज नंबर 21 पे आओ. पेज नंबर एच 21 निकाला. फर्स्ट देखो, मैचिंग करना है. दे आर लर्निंग वन लेसन. दे आर लर्निंग, थर्ड वाले से मैच करो. कॉलम बी में जो थर्ड वाला है, ऊपर से थर्ड वाला, उसमें मैच करो. दे आर लर्निंग वन लेसन, किया? सेकेंड देखो, आई, फिर इसमें करो आई एम गोइंग टू द पार्टी. मिल गया, आई एम गोइंग टू द पार्टी. नीचे से थर्ड कर दिया. यस मैम. आगे देखो, सी में यू आर टॉल, ऊपर से सेकेंड, ऊपर से सेकेंड. We were late to school yesterday. Last one. D में क्या हो जाएगा? We were late to school yesterday. हो गया? We were late to school yesterday. आगे देखो. It was an angry pup. It was an angry pup. ऊपर से फोर्थ. सी वॉज वेटिंग फॉर बस. सी वॉज वेटिंग फॉर बस. He is playing football. Okay, beta. Ma'am, कौन सा पेज? पेज नंबर 21.
कर लिए बेटा सभी ने? यस मैम। हो गया ना, तो सी और डी को स्किप कर दो, वो दोनों नहीं करनी अभी, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारी ग्रामर की बुक है, उसमें भी आएंगे सभी। सी और डी को कट कर दो, ठीक है? यस मैम। और डी है, डी ये सॉरी ई वाला है, ई वाला आपको पीछे देख के करना है, ठीक है? अवार्ड दिए हुए हैं, उनके नाम लिखने हैं, पिक्चर को देख के क्या करने हैं, उनके नाम लिखने हैं, तो आप लोग लिख लोगे? यस मैम। हाँ, ये आपके एच डब्ल्यू के लिए होमवर्क के लिए है, ठीक है? यस मैम। ओके, नाउ योर क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स।